नमस्कार दोस्तों, अपने हमारी पिछली क्लास में जो चैप्टर चल रहा था ब्लड, आज फिर वापस उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ब्लड को देखो कहाँ पर छोड़ा था लास्ट हमने, तो ब्लड जो था उसके बारे में हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था ब्लड के बारे में, ब्लड के दो पार्ट कर लिए थे कि एक प्लाज्मा भाग होता है और दूसरा कौन सा होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं। जो प्लाज्मा भाग था वो 55% था और दूसरा भाग जो रक्त कणिकाओं वाला होता है वो कितना था, 45% था। अब उसी पार्ट को अब हमें आगे बढ़ाना है ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होती है पहले उसको पढ़ेंगे, फिर अपने पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं जो तीन टाइप की आपको मैंने बताई थी। तो देखो अब जो ब्लड है, जो कल अपने बात कर रहे थे ब्लड की कि रक्त जो है उसके दो पार्ट मैंने डिवाइडेशन किए थे, दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया था, दो भागों में इसको डिवाइड करने के बाद मैंने कहा था एक भाग जो होता है उसका नाम होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग जो होता है उसका नाम होता है रक्त कणिकाएं। एक भाग तो है प्लाज्मा और एक भाग जो है उसका नाम क्या है, रक्त कणिकाएं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्लाज्मा भाग कौन सा होता है और रक्त कणिका वाला भाग कौन सा होता है। तो देखो प्लाज्मा की अगर बात करें तो साधारण भाषा में मैं बोल सकता हूं कि प्लाज्मा कौन सा भाग होता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो आप बोल सकते हो कि रक्त का जो चिपचिपा भाग होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। अन्यथा साइंस के हिसाब से देखा जाए तो प्लाज्मा कौन सा भाग होता है, तो साइंस के हिसाब से प्लाज्मा वो भाग होता है कौन सा, तो आप बोलोगे इसके अंदर क्या पाई जाएगी, RBC और प्लेटलेट्स जो होती है वो इसके अंदर पाई जाएगी। एक तो WBC मिलेगी हमको और एक देखने को क्या मिलेगी, प्लेटलेट्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त कणिकाएं, कल बताई थी कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की रक्त कणिकाएं आपको बताई थी। कौन कौन सी होती है, पहली होती है RBC, दूसरी होती है कौन सी, WBC और तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है, प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो जो हमारी प्लाज्मा है, ये कल भी मैंने बताया था कि ये ब्लड का कितना भाग होता है, तो 55% भाग जो होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है, और बचा हुआ 45 भाग जो होता है वो कौन सा होता है, रक्त कणिका होता है। अब देखो जो प्लाज्मा भाग है, आप आम भाषा में बोल सकते हो कि प्लाज्मा कौन सा भाग होता है, तो आप बोल सकते हो कि जो रक्त का चिपचिपा भाग होता है वही क्या है, प्लाज्मा है। लेकिन साइंस के हिसाब से आप बोल सकते हो कि जब रक्त में से RBC को निकाल दिया जाए तो पीछे बचा हुआ भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। यानी प्लाज्मा भाग जो है उसके अंदर क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ किसको निकाल देना है, RBC को निकाल देना है और पीछे जो भाग बच गया वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो पहले इस प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि RBC क्या होती है, WBC क्या है और प्लेटलेट्स क्या होती है। तो अब एक नंबर पे शुरू करेंगे अपने क्या, प्लाज्मा। तो रक्त के दो भाग हो गए, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा क्या हो गया, रक्त कणिका। अब पहले अपने शुरू करते हैं किसको, प्लाज्मा को शुरू करते हैं। अब प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा जो भाग है इसके बारे में अगर बात करें कि प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा के बारे में आप बोल सकते हो प्लाज्मा, तो पहली बात तो जो रक्त का चिपचिपा भाग होता है उसको ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। या आप बोल सकते हो कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा रक्त है उसमें से किसको हटा दें, RBC को हटा दें, इस RBC को मैं निकाल दूं तो पीछे बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। पीछे बचा हुआ भाग मेरे को क्या कहलाएगा, वो प्लाज्मा कहलाएगा। तो देखो प्लाज्मा में क्या नहीं होती, RBC नहीं होती। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से प्लाज्मा में किस प्रकार की रक्त कणिका नहीं पाई जाती, तो ध्यान में रखना RBC नहीं पाई जाती और पाई कौन सी जाती है, तो WBC और प्लेटलेट्स जो होती है वो इसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है।
अब देखो प्लाज्मा की बात करें नेक्स्ट, कि प्लाज्मा में और क्या कुछ होता है। तो देखो इस प्लाज्मा की अगर बात करें कि प्लाज्मा के अंदर क्या कुछ होता है, तो सबसे पहले देखो इसके अंदर 90 से 92% तो जली होता है। इसके अंदर 90 से 92% तो इसके अंदर क्या मिलेगा, हमें जल ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें और क्या होता है। इसमें पाई जाती है 6 से 7% तक इसके अंदर क्या मिलेगी, हमें प्रोटीन देखने को मिलेगी। 6 से 7% तक इसके अंदर क्या मिल जाएगी, हमें प्रोटीन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें इसमें और क्या होगा, तो नेक्स्ट इसके अंदर पाए जाएंगे 2% के लगभग इसके अंदर हमें मिलेंगे क्या, मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है, 2% के लगभग इसके अंदर क्या मिल जाते हैं, हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। अब देखो ये जो प्लाज्मा है इसका कलर कैसा होता है, तो प्लाज्मा का कलर होता है हल्का पीला। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है किसका, प्लाज्मा का। अब नेक्स्ट बात मैंने कहा था कि बायोलॉजी के अंदर जितने भी कलर होंगे उनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है। आपसे पूछ लेगा कि ये जो प्लाज्मा है इसका हल्का पीला रंग जो होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है। तो देखो अगर बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा का हल्का पीला रंग जो है ना, वो हमारा यकृत जो है इसके द्वारा 2 पिगमेंट का निर्माण किया जाता है। यकृत के द्वारा 2 पिगमेंट बनाए जाते हैं, एक तो बनता है बिलीरुबिन, एक पिगमेंट जो है उसका नाम तो क्या है, बिलीरुबिन है, और दूसरे वाले पिगमेंट का नाम होता है बिलीवर्डिन। एक तो होता है बिलीरुबिन और दूसरे वाले का नाम क्या है, बिलीवर्डिन है। बिलीरुबिन जो होता है ना, ये हमें कौन सा कलर देता है, तो ये कलर देता है पीला कलर देता है। और जो बिलीवर्डिन होता है ये कौन सा कलर देता है, तो ये कलर देता है हरा। ये कौन सा कलर देता है, हरा कलर देता है। तो यकृत के द्वारा 2 पिगमेंट का निर्माण होता है, एक तो बनता है बिलीरुबिन और एक क्या बनता है, बिलीवर्डिन बनता है। जो बिलीरुबिन है इसके कारण कैसा कलर होता है, पीला रंग होता है, और जो बिलीवर्डिन है इसके कारण कैसा होगा, हरा रंग होगा। अब देखो आपसे अगर पूछ ले कि ये जो प्लाज्मा है इसका हल्का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, तो आपको सही आंसर देना है किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है। और जो आपका पित्त रस होता है, जो आपका पित्त रस होता है उसका सामान्य कलर कैसा होता है, पित्त रस का निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है। और पित्त रस का निर्माण जो यकृत करता है उसके कारण ये जो पित्त रस बन रहा है इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है हरा। पित्त रस का सामान्य कलर कैसा होता है, हरा होता है, और वो किसके कारण होता है, बिलीवर्डिन के कारण होता है। पित्त रस का सामान्य कलर कैसा होता है, हरा होता है, और वो किसके कारण होता है, तो आपको आंसर देना है बिलीवर्डिन के कारण होता है। और बहुत सी बुकों में लिखा हुआ मिलेगा कि पित्त रस का सामान्य कलर कैसा होता है, पीला होता है। पित्त रस का सामान्य कलर पीला नहीं होता, यह किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और इसके हरा रंग का होने का कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है क्या, बिलीवर्डिन होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में हमने क्या पढ़ा, कि प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तो क्या होता है, जल होता है। 6 से 7% इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। 2% इसमें क्या मिलेंगे, हमें मिनरल्स मिलेंगे। और इसका कलर जो होगा वो कैसा होगा, हल्का पीला रंग होगा। अब बात आ गई कि प्लाज्मा का हल्का पीला रंग जो होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, तो देखो हमारा जो यकृत है, और यकृत क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। और अगर पूछ ले कि मानव शरीर का अंदर का यानी सबसे बड़ा अंतः अंग कौन सा है, तब भी ध्यान रखना कौन सा है, यकृत ही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतः अंग कौन सा होता है, यकृत होता है। और अगर पूछ ले मानव शरीर का बाहर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है,
मानव शरीर का बाहर का यानी बाह्य सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तब ध्यान में रखना मानव शरीर का बाहर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है, ठीक है। और अंदर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि इस प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान में रखना 90-92% प्लाज्मा में क्या होता है, जल ही होता है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपने, किसकी बात करें, तो जो प्लाज्मा है उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ना है हमें क्या, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन से हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो नेक्स्ट एडिंग है हमारे पास क्या, प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो नेक्स्ट बात करें प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीनों की, तो देखो प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। पहले प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बिन, दूसरा प्रोटीन जो है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरे का नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, तीसरे का प्रोटीन का नाम क्या है, तो तीसरा प्रोटीन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन है, तीसरा प्रोटीन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन है, इसका नाम क्या है, तो तीसरे वाले का नाम है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, और चौथा प्रोटीन जो है इसका नाम क्या है, तो ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो है वो आपका चौथा प्रोटीन है। और इसी के अंदर जो पांचवा प्रोटीन जो है वो है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये जो पांच प्रोटीन है वो हमारे किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में हमें पांच प्रोटीन देखने को मिलते हैं। पांच प्रोटीन कौन कौन से हैं, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रोनोजिन है, ग्लोबुलिन है, और कौन सा है, एल्ब्यूमिन है। कौन कौन से हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो पहले इन पांचों के नाम लिख लो, फिर इनके काम पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का काम क्या होता है। ये जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है वो क्या काम करेगी, तो देखो जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होती है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाना। इसका काम क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है कौन सी प्रोटीन, तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। और थक्के को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है स्कंदन, इसको क्या बोलते हैं, स्कंदन कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है, तो आप बोलोगे फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है ना इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है प्रासरण नियंत्रण का, प्रासरण नियंत्रण का काम करती है कौन,
आपकी एल्बुमिन प्रोटीन करती है। अब प्रासरण नियंत्रण क्या होता है? तो प्रासरण नियंत्रण का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं, जो खनिज पदार्थ पाए जा रहे हैं, खनिज पदार्थों के ऊपर किसका नियंत्रण होगा? तो जो खनिज पदार्थ पाए जा रहे हैं उनके ऊपर जो नियंत्रण रखेगी वो कौन सी प्रोटीन रखेगी? तो वो रखेगी आपकी कौन सी? एल्बुमिन प्रोटीन। और ध्यान रखना, ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एल्बुमिन प्रोटीन ही पाई जाती है। एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, एल्बुमिन से रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो एल्बुमिन प्रोटीन है। रक्त के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन देखने को मिलेगी? एल्बुमिन प्रोटीन देखने को मिलेगी। तो जो प्लाज्मा भाग होता है इसके अंदर कितनी प्रोटीन पाई जाती है? तो प्लाज्मा के अंदर कुल 5 प्रोटीन पाई जाती है। 5 में बात करें तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन। यहां पर जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाना, और जो रक्त का थक्का बनाते हैं उसको, थक्के को बायोलॉजी में क्या बोला जाता है? स्कंदन कहा जाता है। ठीक है, तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन काम करेगी क्या? रक्त का स्कंदन करेगी। एल्बुमिन प्रोटीन जो होगी वो क्या काम करेगी? प्रासरण नियंत्रण का काम करेगी। अब बात करें कि प्रासरण नियंत्रण क्या होता है, तो प्रासरण नियंत्रण का मतलब होता है खनिज पदार्थों पर नियंत्रण करना। और रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है कौन सी? ग्लोब्यूलिन। कौन सी मिलेगी? सॉरी, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है वो सर्वाधिक मात्रा में मिलेगी, सॉरी एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो रक्त के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने। अब देखो, इसमें से अगर पूछ ले थोड़ा सा कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र को या प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना। इसका काम क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करने का काम किसका होता है? तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना। ठीक है, तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स जो है 6-7% में, वो कितने प्रोटीन है आपके? तो 5 प्रोटीन है, वो मैंने बता दिए, उनके काम बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना है। एक पॉइंट आता है कि जब प्लाज्मा में से, अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा में कितनी प्रोटीन है, तो प्लाज्मा के अंदर कितनी प्रोटीन होती है? 5 प्रोटीन होती है। अब बताता है कि इस प्लाज्मा में से अगर मैं फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को बाहर निकाल दूं, ये जो मेरे पास फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर पाई जा रही है, अगर मैं इसको क्या कर दूं प्लाज्मा में से बाहर निकाल दूं, तो बचा हुआ भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को बाहर कर दें, तो पीछे जो भाग बचता है उसका नाम क्या होता है? सीरम होता है। उसका नाम क्या होता है? सीरम होता है। अब देखो, बताओ, क्या इस सीरम के कारण रक्त का थक्का बन पाएगा? क्या इस सीरम के कारण रक्त का थक्का बन पाएगा क्या? तो देखो, जो थक्का बनाने वाली प्रोटीन जो थी वो हमने क्या कर दी है? बाहर निकाल दी है। तो आपको ध्यान रखना है, इस सीरम के कारण क्या नहीं होगा? तो इस सीरम के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आप बोलोगे सीरम के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है,
और जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आप वहां पर थक्के को क्या बोल रहे थे, जब थक्का बन रहा था तब अपने उसको बोला था स्कंदन, तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिस्कंदन हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिस्कंदन हो जाएगा। तो सीरम के कारण ब्लड का क्या होता है, प्रतिस्कंदन होता है, मतलब जो सीरम है ना उससे क्या नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस प्लाज्मा के काम क्या क्या हैं, ये जो प्लाज्मा है इसके काम क्या क्या हैं, ये प्लाज्मा क्या काम करती है। तो देखो प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा का काम आप ये बोल सकते हो, एक तो इसका काम होता है क्या, रक्त का थक्का बनाना, किसका काम है, प्लाज्मा का काम है। एक तो प्लाज्मा का काम होता है क्या, रक्त का थक्का बनाना। दूसरा काम आप ये बोल सकते हो कि जो हमने भोजन के साथ ग्लूकोज खाया है और जो ग्लूकोज खाया है ना तो उस ग्लूकोज का परिवहन कौन करेगा, तो आपका प्लाज्मा करेगा। और ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। तो आप बोल सकते हो प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो ग्लूकोज का परिवहन करना, ये आपका काम होता है, किसका, प्लाज्मा का काम होता है ग्लूकोज का क्या करना, परिवहन करना। ठीक है, तो ये पार्ट था हमारे पास, कौन सा, प्लाज्मा भाग था ब्लड का, फर्स्ट पार्ट जिसका नाम क्या था, प्लाज्मा। 55% मात्रा में क्या पाया जाता है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा पाया जाता है, वो मैंने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट सेकेंड भाग बच गया इसका, कौन सा, तो रक्त कणिका। अब नेक्स्ट जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, रक्त कणिकाएं पढ़नी है। तो देखो प्लाज्मा के बारे में एक बार फिर बता देता हूं कि प्लाज्मा में क्या होता है, जो प्लाज्मा होती है इसका कलर जो बताया था वो कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। हल्का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, तो बिलीरुबिन के कारण होता है। फिर बताया कि प्लाज्मा में 90-92% तो क्या मिलेगा, हमें जल ही देखने को मिलेगा। फिर मैंने नेक्स्ट आपको बताया कि प्लाज्मा जो है इसमें 6-7% के अंदर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते, सॉरी 6-7% में इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं और 2% में इसमें क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है, खनिज पदार्थ मिलेंगे। जो 6-7% में प्रोटीन पाई जाती है वो कौन कौन सी प्रोटीन है, तो 5 प्रोटीन वो थी। ठीक है, उनमें से एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसका नाम ध्यान में रखना क्या है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है। जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन मैंने बताई इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाना। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना। और जब इस फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का काम हो गया क्या, रक्त का थक्का बनाना, और जब प्लाज्मा में से इस फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को मैं बाहर निकाल दूं तो बचा हुआ भाग मेरे पास क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ठीक है, और इस सीरम के कारण बताओ क्या रक्त का थक्का बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन थी रक्त का थक्का बनाने वाली वो हमने क्या कर दी है, बाहर निकाल दी है। तो अब इसके कारण क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी सीरम के कारण क्या नहीं होगा, तो आप बोलोगे रक्त का थक्का नहीं बनेगा और इसका क्या हो जाएगा, प्रतिस्कंदन होगा। ठीक है, अब बताया था प्लाज्मा के काम क्या क्या होते हैं, तो प्लाज्मा के दो काम ध्यान में रख लेना, एक तो क्या काम है, रक्त का थक्का बनाना, और दूसरा काम इसका क्या है, ग्लूकोज C6H12O6 का क्या कर रहा है, ये प्रिवेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका जल्दी से आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो जो रक्त का सेकंड पार्ट है, जो हमारा 45% के अंदर जो भाग था उसका क्या नाम बताया था मैंने,
वहां पर जो 45% में है हमारे पास वो क्या है, तो रक्त कणिकाएं हैं। तो नेक्स्ट जो भाग है उसका क्या नाम है, रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट जो भाग है उसका क्या नाम है, रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाएं कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की है, ठीक है। उनमें से जो सबसे पहली बताई थी वो कौन सी थी, आरबीसी। कौन सी थी, आरबीसी। तो पहले अपने किसको पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो जो हमारे पास सबसे पहला भाग है रक्त कणिकाओं में वो कौन सा है, आरबीसी। पहले बात करते हैं आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। आरबीसी की फुल फॉर्म है हमारे पास क्या, रेड ब्लड सेल। ये क्या है हमारे पास, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलोगे आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स होती है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी की नेक्स्ट बात करें तो इस आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट के नाम से किसको जाना जाता है, आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, इरिथ्रोसाइट। और कभी भी किसी भी शब्द के पीछे अगर साइट लिखा हुआ मिले तो समझ जाना साइट का मतलब क्या होता है, सेल या कोशिका होता है। साइंस में साइट का मतलब होता है क्या, कोशिका, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि सेल्स जो है, जो कोशिका जो होती है उनका अध्ययन किस में होता है, साइटोलॉजी में उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो साइट का मतलब होता है सेल्स यानी कोशिका। अब देखो ये तो बात होगी किसकी, आरबीसी के साइंटिफिक नेम की बात होगी। अब नेक्स्ट मैं बात करूं इसके अंदर, तो नेक्स्ट बात आती है कि आरबीसी जो होती है उसका जन्म कहां होता है। अब सबसे पहले क्या होगा, जन्म होगा। अब आरबीसी का जो जन्म होता है वो एक वयस्क के अंदर आरबीसी कहां बनती है और एक शिशु के अंदर कहां बनती है। तो देखो आरबीसी जो है ना वो एक वयस्क में कहां बनेगी, तो ये बनती है आपकी किसके अंदर, तो अस्थि मज्जा के अंदर बनती है। और अस्थि मज्जा भी कौन सी, तो लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनती है। ये कहां पे बनेगी, लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनती है क्या, आरबीसी, ठीक है। अब पहली बात तो यही पूछोगे, सर ये अस्थि मज्जा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो अस्थि मज्जा को बोला जाता है बोन मेरो। पहली बात तो आप यही पूछोगे कि सर ये बोन मेरो क्या होती है, तो बोन मेरो के बारे में बात करें तो ये बोन मेरो क्या है कि हमारे शरीर के अंदर कुल 206 हड्डी है ना। इन 206 हड्डियों में से जो हमारी हड्डियां होती है ना, उनके बीच में जो खोखला स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा क्या होती है, तो हमारे शरीर की जो लंबी लंबी हड्डियां हैं, वैसे खोखला स्थान सभी हड्डियों के बीच में नहीं होता, जो मानव शरीर की लंबी लंबी हड्डियां हैं ना, सिर्फ उन्हीं के बीच में क्या होगा, बोन मेरो पाई जाएगी। अब बोन मेरो जो है वो कितनी हड्डियों के बीच में होती है, तो लगभग ये जो 206 हड्डियां है ना, इनमें से लगभग 150 से 160 हड्डियों के बीच में क्या मिलेगा, हमें बोन मेरो देखने को मिलेगा। लगभग कितनी हड्डियों के बीच में, 150 से 160 हड्डियों के बीच में क्या मिलेगा, हमें बोन मेरो देखने को मिलेगा। बाकी हड्डियों के बीच में बोन मेरो जो है वो नहीं पाई जाती, क्योंकि वो हड्डियां जो है वो क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। वो हड्डियां जो है वो क्या होती है, छोटी होती है, और उनके बीच में क्या नहीं पाया जाता, बोन मेरो नहीं पाया जाता। तो अस्थि मज्जा या बोन मेरो का मतलब क्या है कि मानव शरीर की जो लंबी लंबी हड्डियां हैं उनके बीच में जो खोखला स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। एक शिशु के अंदर कहां बनेगी ये, तो एक शिशु के अंदर बनती है ये कहां पे, या तो बनेगी किसके अंदर, प्लीहा के अंदर, या इसी प्लीहा को बोला जाता है क्या, तिल्ली कहा जाता है। या तो प्लिया में बन जाएगी या किसके अंदर बनेगी, तो आप बोलोगे प्लिया या तिल्ली के अंदर ही बनती है, प्लिया या तिल्ली एक ही बात है, ठीक है।
अब ये हो गया इसका क्या जन्म। जन्म के बाद नेक्स्ट बात करें कि इसका आकार कैसा होता है। आकार की बात करें तो आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार आकार होता है। किसका? आरबीसी का आकार जो है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जन्म हो गया, आकार बता दिया, नेक्स्ट बात करते हैं काम की कि इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है O2 व CO2 का परिवहन करना। O2 व CO2 का परिवहन जो है वो कौन करती है? तो RBC करती है। अब क्या है, RBC O2 व CO2 का परिवहन क्यों करती है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? HB पाया जाता है। HB बोले तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो बात होगी आकार की। आकार कैसा है इसका? गोलाकार आकार है। नेक्स्ट देखो काम इसका क्या है, O2 व CO2 का परिवहन करना। अब देखो जन्म हो गया, काम हो गया और आकार हो गया, ठीक है। अब बात करें अगर कि इसकी मृत्यु कहां होती है। अब जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु भी तो होगी ना, तो इसकी मृत्यु जो होती है वो कहां पर होती है? तो एक वयस्क के अंदर ये कहां पर मरती है? तो एक वयस्क में मरती है, यकृत के अंदर। कहां पे मरती है? यकृत के अंदर मरती है। जबकि एक शिशु के अंदर ये कहां पे मरेगी? तो एक शिशु के अंदर उसी प्लिया या तिल्ली के अंदर मर जाती है। उसी प्लिया या तिल्ली के अंदर क्या हो जाती है? ये मर जाती है। नेक्स्ट एक बात और बता देता हूं, इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जो जीवन काल होता है वो होता है आपका कितना, 20 से 120 दिन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रखना। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है, ठीक है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 20 से 120 दिन जो है वो आरबीसी का क्या होता है? जीवन काल होता है। तो आरबीसी के बारे में आज इतनी बात करेंगे, कल नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको आरबीसी के बारे में आगे डिटेल से। अभी ये बेसिक बात की हमने आरबीसी के बारे में, कल इससे संबंधित आरबीसी से संबंधित बीमारियां पढ़ेंगे, क्या इसमें केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता, वो सारी बात आरबीसी से संबंधित कल करेंगे, ठीक है। एक बार फिर दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, आरबीसी में हमने क्या पढ़ा। आरबीसी जो है इसको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट है। अब देखो जन्म जो होता है वो एक वयस्क में कहां बनती है? लाल अस्थि मज्जा में बनती है। शिशु में कहां बनेगी? तो प्लिया या तिल्ली के अंदर बनती है। कहां बनती है? प्लिया या तिल्ली के अंदर बनती है। आकार की बात करें तो आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। काम क्या है? O2 व CO2 का परिवहन करना। किसका काम है? आरबीसी का काम है। नेक्स्ट इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन इसका क्या है? जीवन काल है। नेक्स्ट बात करें आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब देखो इसकी मृत्यु कहां होती है? तो एक वयस्क में कहां मरेगी? यकृत के अंदर मरेगी। और एक शिशु में कहां मरती है? ये प्लिया या तिल्ली के अंदर मरती है। बाकी बात करेंगे इसके बारे में कल, जो भी इस आरबीसी से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन आते हैं वो सभी करेंगे कल, ठीक है। क्या इसमें केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता, इसकी संख्या कितनी होती है, आरबीसी रक्त कणिकाओं में संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, संख्या में सबसे कम कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, ये बाकी बात अपने करेंगे इसके बारे में कल। आज के लिए इतना बहुत है।